हाय एवरीवन, लक्ष्मी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली की खास मिठाई काजू कतली। फ्रेंड्स, हमेशा सबको काजू कतली बनाने में शिकायत रहती है कि ये ऑयल छोड़ देगा, तो मेरे बताए टिप्स के साथ आप काजू कतली बनाएंगे तो बिल्कुल भी ना ऑयल छोड़ेगा और हलवाई स्टाइल आपकी काजू कतली बनकर तैयार होगी। तो हम काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल काजू कतली बनाने के लिए हम 250 ग्राम काजू ले लिए हैं और ये टुकड़ा वाला काजू है। नॉर्मली काजू तो बहुत तरीके के आते हैं, आप कोई भी काजू ले लें जो सस्ते आपके बजट में हो। दो तीन पानी से धो लेंगे, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का हो और काजू टुकड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम इसे मसल कर धो लेंगे, जो इसमें गंदा है निकल जाएगा, जिससे मिठाई का टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा। तो इसको हम अच्छे से धो चुके हैं, अब इसमें हम पानी डालकर 2 घंटे के लिए भिंगो कर रख देंगे। इसी तरीके से हलवाई मिठाई बनाते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, काजू बढ़िया से फूल गया है, अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे। तो अब हम काजू को मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे बिना पानी के। अगर आपके पीसने में परेशानी हो तो मात्र 1 से 2 चम्मच पानी डालें, काजू का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो काजू का पेस्ट तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ये ज्यादा बारीक नहीं, हल्का दरदरा सा है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम लेंगे एक कढ़ाही या पैन। कढ़ाही थोड़ा मोटे तले का लेंगे तो मिठाई बनाने में चिपकेगी नहीं। तो अब हम इस पेस्ट को कढ़ाही में निकाल लेंगे। तो अभी कढ़ाही को हम गैस पे नहीं रखेंगे और इसमें डाल देंगे 200 ग्राम करीब चीनी का पाउडर है। तो चीनी को मिक्सर जार में डालकर चला लिया और ये पाउडर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे 250 ग्राम काजू है और 200 ग्राम चीनी का पाउडर। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी का मात्रा बढ़ा दीजिए, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो चीनी का मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए। इतना परफेक्ट है मिठाई के लिए। तो अब हम इसे इसी प्रकार पहले मिक्स कर लेंगे, अभी गैस पे नहीं चढ़ाएंगे। अगर हम इस वक्त इसे गैस पे चढ़ा देंगे तो इसमें गुठलियाँ आने लगेंगी और बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। इसी प्रकार हलवाई करते हैं, पहले सभी चीजों को हाथ से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद गैस पे चढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चीनी डालने से ये थोड़ा पिघलने लगा है। इस पेस्ट को गैस पे चढ़ाकर पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको चलाते जाएंगे, चलाना नहीं छोड़ेंगे। प्रकार चलाते हुए हम इसको पका लेंगे, चलाना नहीं छोड़ेंगे और किनारे से भी हटाते जाएंगे। कुछ ही टिप्सों के साथ मिठाई आप घर में बढ़िया बना लेंगे, एकदम हलवाई जैसी और बिना मिलावटी। तो ये गाढ़ा हो गया है। इसी स्टेज पे हलवाई काजू कतली में हाइड्रो डालते हैं जिससे उनकी बर्फी सफेद रहती है। हम क्यों डालें, हम तो इसे घर में बना रहे हैं ना बिना मिलावटी। और आपको पसंद है तो इसी स्टेज पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब देख रहे हैं ये गाढ़ा होने लगा है, अब इकट्ठा होने लगा है। कतली के मिक्स ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, अब ये इकट्ठा होने लगा। गैस का फ्लेम लो है और इसे हम थोड़ा सा और चला लेंगे। हमारा काजू कतली का मिक्स तैयार है। हमें पता कैसे चलेगा, तो हम एक प्लेट पे इसे थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो इसको हल्का सा, ये गरम है अभी, हम आपको दिखाते हैं। ये बंधने लगा है, ये जो है ना उंगलियों के बीच देख रहे हैं आप, ये गोल सी लड्डू तो बंधने लगी है। तो अब इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। परफेक्ट हमारा ये मिठाई का मिक्स बना है, खाते रह जाएंगे। इतनी टेस्टी ये काजू कतली बनकर तैयार होगी, वो भी घर में। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इस प्रकार। अब हम एक
बटर पेपर लिया है और इसको थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। काजू कतली आसानी से निकल जाएगी। काजू कतली के मिक्स को इस पे रख देंगे। तब ये ठंडा हो गया है हल्का, तो इसे हम इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। बेलन को हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिए हैं, अब इसे चौकोर बेल लेंगे। अब हम इसे किसी स्पैचुला से इस तरीके से चौकोर कर लेंगे। इसकी लेयर हम आपको पास से दिखा देते हैं, इस प्रकार है और इसको हम चौकोर कर लिए हैं इस प्रकार सेट करते हुए। और बाजार जैसा लुक देने के लिए अब हम इस पे चांदी के वर्क लगाएंगे। अगर ओरिजिनल हो तो लगा, नहीं वरना इसी तरह सर्व करें। तो इस प्रकार हम इसे पे चांदी का वर्क लगा देंगे। लीजिए, हमारे मार्केट जैसी महंगी मिठाई बनकर तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। साइज आप अपने मन पसंद रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो इस प्रकार पहले हम लंबा कट करेंगे, ऐसे इस प्रकार कट करेंगे। ये किनारे के पार्ट्स हैं। बहुत ही टेस्टी दिवाली की कई मिठाई हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और अगर हम ये काजू कतली की मिठाई नहीं शेयर करते हैं अपने व्यूअर के साथ, तो ये गलत होता है। हमारा काजू कतली बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।